दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी पर बोले अपशब्द को लेकर किन्नौर कांग्रेस ने आज रिकांगपियो में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। किन्नौर कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व किनफेड चेयरमैन चंद्र गोपाल नेगी की अध्यक्षता में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पुतला फूंका। पुतला फूंकते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच खूब धक्का मुक्की भी हुई। आखिर कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला फूंकने में कामयाब रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल नेगी ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा किन्नौर विधायक पर बोले अपशब्द को किन्नौर के लोग कभी सहन नहीं करेंगे। जगत सिंह नेगी के खिलाफ जो अपशब्द थे उसके विरुद्ध हम ये पोजीशन और पुतला फूंका। ये एक आज हम कांग्रेस पार्टी का ही नहीं पूरा किन्नौर वासियों के लिए एक धाक लग गया जो शब्द उन्होंने यूज़ किया है। हम उसका कड़ी निंदा शब्दों से निंदा करते हैं और आगे भी हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। शब्दों में निंदा करेंगे, कुछ काले झंडों से उनको पार बढ़ाएंगे, वो हम अपना तैयारी करेंगे जिस तरह के हमने देना है और हम बिना बताए उसको बताएंगे क्या है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मोहिंद्र नेगी की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपने पन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।